कार्तिक, आरती, ठीक हो तुम? नारा तुम ठीक हो ना? नारा बेबी, नारा बेबी ठीक, नारा बेबी ठीक है? आई थिंक नहीं नायरा, प्लीज बी श्योर नायर, हम तुरंत हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम इसी वक्त हॉस्पिटल जा रहे हैं नायर। एक मिनट, बेबी कुछ फील हो रहा है नायरा? आप ठीक हो ना बेबी? बेबी आप ठीक हो ना? बेबी, बेबी आप सुन रहे हो ना? आपके मम्मी पापा आपसे बात कर रहे हैं बेबी, आप सुन रहे हो ना बेबी? बेबी ने किक किया, बेबी कुछ नहीं होगा हमारे बेबी को, हम तुरंत हॉस्पिटल जाएंगे और कुछ नहीं होगा उसको। तुम सुन रही हो ना नायरा? कुछ नहीं होगा हमारे बेबी को, कुछ नहीं होगा हमारे बेबी को। भाई और खेती दी कार्तिक, भाई यही रुको, एक मिनट। गंगा मैया, वो लोग ठीक हो? कार्तिक ये नाश, कार्तिक भाई और अभी को कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा उन्हें। कीर्ति, अरे एम्बुलेंस कोई नहीं आएगा, जल्दी से किसी गाड़ी का ले जाएगा। अरे लड़की अकेली होती तो और बात, एम्बुलेंस तो नहीं आई है, जल्दी से कुछ करना चाहिए, पता नहीं चलता जल्दी ले हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कुछ करना चाहिए। अरे ऐसा मत कहो बहन, कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी। ये मुझसे क्या हो गया? अरे पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, अरे हट जाओ पुलिस आ गई। अरे इन्हें तो मैं जानता हूँ। कार्तिक ये हम कहाँ हो गए? कार्तिक ये कहाँ है हम अभी? बस यही याद है नायरा की, हम हाईवे पे थे, फिर किस तरफ स्लिप हुए, कहाँ गिरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कार्तिक कहीं भाई और कीर्ति वो भी कोई नेटवर्क नहीं आ रहा। वो लोग ठीक तो हो गए ना? कार्तिक ठीक है, वो कुछ नहीं होगा उन्हें। कीर्ति कोई नेटवर्क नहीं है यहाँ पर, आ रहे नेटवर्क आ रहे हैं सर। नायरा तुम यहाँ वेट करो, यहाँ रुक जाओ प्लीज, संभाल के। नक्श, हेलो नक्श, कहाँ हो तुम लोग?
सब सब ठीक तो है ना कार्तिक? कार्तिक बोलो ना, भाई और भाभी बोलो, ठीक तो है ना? कार्तिक सब ठीक है, ऑल वेल। सर, मैडम, आप लोग यहाँ सब ठीक है ना? सर, सब ठीक है ना? मैंने सब अच्छा है, आप आ गए। आप नायरा को प्लीज पहले हॉस्पिटल फिर घर ले जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कार्तिक, मैं क्यों? हम साथ में जाएंगे ना? और तुम एक काम करो, तुम भाई को फोन करो, उनसे कहो कि हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया, हमें अपनी कार में लेके जाए। अब वो लोग आगे निकल चुके हैं, मुझे यहाँ रहना पड़ेगा ना? कार का FIR भी तो लिखाना है, एक्सीडेंट हो चुका है तो कार भी टो कराना है। तुम जाओ, पहले तुम्हारा हॉस्पिटल जाके चेकअप कराना ज्यादा जरूरी है। नहीं कार्तिक, तुम मेरा तुम्हें हर बात पे जिद करना जरूरी है क्या? जाओ ना प्लीज। I'm sorry। देखो, मुझे बच्चे की फिक्र हो रही है, बेबी के लिए डर लग रहा है, तुम जाके एक बार चेकअप करवा लो, मैं आ जाऊंगा नायरा, प्लीज तुम जाओ अभी। जल्दी आ। किसी को कुछ मत बताना जब तक मैं ना आ जाऊं, ठीक है? मैनेजर साहब, घर पर किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वरना सब बेकार में घबरा जाएंगे। बस एक छोटा सा एक्सीडेंट है और हम सब ठीक है, वी ऑल फाइन। जी सर, मैं समझ गया। आप नायरा को हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसके बाद वहां से घर। चलिए मैम। चलिए, संभल के। जी, मैं कार्तिक गोइंका बोल रहा हूँ। ये फोन जिनका है वो मेरे जीजू है। आप कौन? मैं इंस्पेक्टर कैलाश जायसवाल बोल रहा हूँ। मिस्टर नक्श और उनकी वाइफ का मेजर एक्सीडेंट हो गया है। हमने एम्बुलेंस को फोन किया है, वो 5 मिनट में आती होगी। आप लोग जहाँ कहीं भी हो इमीडिएटली यहाँ पर आ जाइए, लोकेशन मैं आपको सेंड करता हूँ। रुकिए प्लीज। गिरते, गिरते, गिरते!
क्या हुआ इसे? कीर्ति कुछ नहीं होगा तुझे, कीर्ति कुछ नहीं होगा मेरी बहन। बीबी कैसे है बेबी? कीर्ति ठीक तो है ना? देखिए पेशेंट से आप थोड़ा दूर रहिए। देखिए प्लीज डॉक्टर, कीर्ति को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मेरी बहन है, मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर इतनी मुश्किल से फोन लगा लेकिन फोन उठा ही नहीं रहा है। फिर से ट्राई करता हूं। उठा लिया। कार्तिक बेटा कब से फोन कर रहा हूं, फोन ही नहीं उठा रहे। तुम ठीक तो हो ना? तुम सब लोग स्पीकर ऑन करो। मनीष अभी भी सुन रहा है। कुछ पूछा मैंने तुमसे? ठीक तो हो ना? कीर्ति और नक्श का एक्सीडेंट हो गया, बहुत मेजर। ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों कहाँ है कार्तिक? वो ठीक है ना? वो कहाँ है इस वक्त? मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिए। तुम और नायरा ठीक हो ना कार्तिक? नायरा कहाँ है? मैं कीर्ति और नक्श के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ, एम्बुलेंस में उनके साथ। नायरा हमारे मैनेजर रोहित के साथ करवा रहे हैं। तो प्लीज उसे इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता, उसे कुछ नहीं बताइए। मैं घर आकर उसे सब कुछ बता दूंगा। उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए, आप सुन रहे हैं ना? नहीं बताएंगे बेटा, लेकिन इतना तो पता हो कीर्ति और धवन जी कैसे। अभी कुछ नहीं बता सकता मैं। दादी आप प्लीज प्रे कीजिए, प्लीज कहिए मेरी बहन और नक्श ठीक हो। मेरे कुछ ना हो दादी। पापा आप और चाचू सबको संभालिए घर पर। मैं और बात नहीं कर सकता। कुछ नहीं होगा। कीर्ति सुन रही है? साक्षी खोलो बात। आपने डॉक्टर से बात की है? कहीं उससे की इमरजेंसी है, बहुत सीरियस केस है। दक्ष कुछ नहीं होगा तुझे। कीर्ति सुन रही है? मेरी आवाज आ रही है कीर्ति? कीर्ति आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।